की चलती बस यानी कि हरियाणा रोडवेज में अचानक ड्राइवर को रात के दो बजे हार्ट अटैक हो जाता है आप सोच सकते हैं साथियों सुनकर के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं लेकिन जैसे उसके पास गया हूं तो मूर्छित हालत में था आँखें ठहर हुई थी और गर्दन कंधे पे थी हाँ जो होना मैंने उसके साइड से पैर घुसा दिया और वो पैर गया उड़ मैं अच्छा पैर उलझ गया हाँ हाँ पैर पे, पैर फस गया उसमें एक तो डरियो भाई तो जो होना था वो लिया लेकिन ये बागा जरूर होगा कि मैं भी गेलिया मारा ही नमस्कार मैं हूं अजबार हरद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे साथियों के ऊपर साथ मीडिया मीडिया की वीडियो होने, लग रही है। और होने के पीछे का कारण यह है कि चलती बस यानी कि हरियाणा रोडवेज में अचानक ड्राइवर को रात के दो बजे हार्ट अटैक हो जाता है आप सोच सकते हैं साथियों सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं हैरान कर देने

जो सवार बैठी थी उनकी जिंदगी और मौत का सवाल था उस टाइम पर भगवान बनकर देवता बनकर नरेंद्र भाई ने जो उनकी जान बचाई उसके लिए तो सबसे पहले नरेंद्र भाई आपको सैल्यूट है और नरेंद्र भाई एक बार बताइएगा वो कैसे क्या मामला था भाई साहब सैल्यूट है राम राम है और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मारी, मेरी तरफ से आज जोड़कर राम राम है जी नरेंद्र भाई बताए एक बार जो आ, कैसे क्या मामला था कहा से कहा बस जाने लग रही थी और क्या वो बातचीत हुई थी ऐसा है जी मैं पलवल डिपो में नरेंद्र कुमार परिचालक सी पैंसठ कार्यरत हूँ और डेली की जो रूटीन से गाड़ी चलती है वो ग्यारह बजे दिन में जाती है और रात में सवा ग्यारह बजे चंडीगढ़ से पलवल के लिए वापिस आती है जो कि सुबह पाँच बजे पहुँचना होता है गाड़ी को पलवल में तो जब वहां से सवा ग्यारह बजे चंडीगढ़ से चले हैं तो गरौंडा टोल क्रॉस करा था और टोल क्रॉस करने के बाद पता नहीं ड्राइवर को क्या प्रॉब्लम हुई वो तो बाद में पता चली है जब गाड़ी डिवाइडर से टकरा ली है डिवाइडर से गाड़ी टकराई और टकराने के बाद जब स्पीड बढ़ी तो अनुमान नहीं था दिक्कत क्या परेशानी क्या है मैं उठ के वहां उसके पास गया हूँ मैं सोच रहा था मगर हो सकता है कहीं ना कहीं इधर उधर लगी होगी छोटा मोटा एक्सीडेंट के तौर पर किसी ने और ड्राइवर ने इसलिए भगा ली के चलो

तोनंत मैं एक बार तो जज क्या पर स्टीयरिंग संभाल लिया और स्टीयरिंग का ये मामला था साफ सुतरा रोड है अगर डेविड देना है ठीक चल रही थी गाड़ी ना तो मोड़ होता या फिर गड्ढे बड़े होते तो थोड़ी सी फड़फड़ाती गाड़ी बहुत कुछ हो जाता मैं स्टीयरिंग को संभाल लिया एक दो बार ही वो लेकिन बात नहीं बनी देखते देखते मैं वो शिकायत उठ जा

इतनी बाग सके थी, बाग ली, लेकिन इनकी स्पीड बंदी हुई है ये भी एक फायदे वाली ये बात है हरियाणा अस्सी की स्पीड बंदी, कितनी, कितनी बंदी, बंदी हुई है जो नई गाड़ियां लेटेस्ट वर्जन आए है लेकिन एक दिक्कत है की छह फुट का लंबा और चार फुट का चौड़ा है उस प्रक्रिया के दौरान जो पहले वाली गाड़ी थी तो बोनट छोटे हुआ करते हाथ भी पहुंचा दे पैर भी पहुंचा सके थे सीट थोड़ी सी नॉर्मल सी थी ज्यादा ही लग्जरी सीट है और ड्राइवर ड्राइवर कंफर्ट हो पावा है

अच्छा पैर उलझ हाँ, हाँ, पे, तो तो दो चार सेकंड के फैसले थे कोशिश करी झड़काया तो मैंने वो पैर भी निकल गया और थोड़ा सा पेंट भी बल्कि हेनट में उड़ज गया फट गए पर निकल गया पैर उस ट्रेनिंग पकड़े पकड़े मैं ये तो लिया जो हो लिया मैं दूसरी साइड से घूमया हूँ हाथ लगाए लगाए स्टेन का थोड़ा सा चलाना हो ज्यादा तो इतनी बिल्कुल बिल्कुल जरूरत होती है नहीं कि इन गाड़ियों में सारे प्रेशर की है स्टेन तो मैं उस बोनट के ऊपर के लेट के एक हाथ तो स्टीयरिंग पर रखा मैंने hmm. दूसरा हाथ फिर कोशिश करी कि देखा पैर तक क्लच तक किसी न किसी की तरह पहुंच जा दबाऊं hmm. लेकिन नहीं जा पाया हाथ भी क्योंकि थोड़ी सी दूरी भी बनी बोनट पर के लेटन लेट में hmm. और लेट को और भी अंदर सिर दे लेता तो वो दिखना बंद हो जाता मैंने ऊपर नहीं इतने गाड़ी कहीं ना कहीं लग जाती बिल्कुल बस फायदा और गनीमत तो यार रही है कि रोड पे कोई ट्रक वर्क कोई साधन बड़ा कार वार कोई आगे ना आई स्पीड स्लो ना थी या कोई साधन ना आया तो बच गए नहीं तो ये पता था किसी न किसी में ये पता नहीं अनुमान नहीं था कि कितना होता तो वो सिस्टम भी जैसे तरीके हाथ पहला पहुंचाने की कोशिश करी वो हाथ भी नहीं पहुंच पाया तो मन ने पीछे सवारी थी जवान ही लेकिन तकरीबन उस टाइम पर सोले हैं दो बजे का एक पचपन का सही टाइम है देखा था

अपनी एक प्रक्रिया में कोशिश में 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 थे कि इतना कि इतना हो जाएगा या ना ना डिवाइडर कर दूसरी साइड जाएगी और साधन छाती अड़ाए रोक रहे थे बिल्कुल नरेंद्र भाई तो ये ये, ये, ये प्रक्रिया चल रही थी उनसे कहके हड़के से हाथ लगाए एक भाई तो मैं बोला ड्राइवर आवा ड्राइविंग बोला ड्राइविंग तो ना अंतिम स्टेयरिंग सीधा रख लेगा बोला जी कोई बात ना रख लूंगा मन ने भी थोड़ा सा नहीं देखा कहा रख लेगा कि ना रख लेगा थोड़ा सा हाथ में लगाए रहा लेकिन मन ने दोनों हाथ था, था पकड़ के यहाँ से कंधे से और उसको ड्राइवर को खिंचवाया उन दो तीन आने उन खींच कर वो साइड से बाहर निकाल दिया बोले भाई साहब इतने निकालो उसका पैर उठते स्पीड थोड़ी सी डाउन पड़ गई डाउन पड़ते सीट संभाल गया आगे ने साइड में जाकर लगा दी मैं बोला इसने लेटाई ना इसने बैठा के सीट पर मालिश वालिश करो इसकी वे मालिश कर लग गए नीच से उतरा हूँ जल्दी तक कॉल करी है पीसीआर को और एम्बुलेंस को भाई ड्रोवर जी तो जब तो पक्का थी पर सवारिया ने जब तक गणहना पता चलता था और आप से लोग बतावे हैं अगर बढ़िया करे एक समझदारी दिखा दी क्योंकि कोई सवारी थी कोई खिड़की से कूद जाती या फिर चिल्लाना सीखने लग जाती तो शायद मेरा टूटता उसमें विचलित भी हो जाता है कोई भी ऐसी कंडीशन क्योंकि पेचीदा माहौल था उस टाइम पर विचलित भी मन हो जाता है हाँ विचलित तो यूं देखने लग रहा था कि मौत सामने खड़ी दिखाई देने लग रही है क्योंकि जब हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना तो रेस मारे हाथ में ना ब्रेक मारे हाथ में ना गेर मारे हाथ में वो तो बस उस

उसकी मालिश करी है और मैं नीचे उतर के कॉल की है लेकिन कॉल करी जब मैंने पता है अगर एजिटेट सा था परेशान और विचलित सा था जरूर हो रहा था पर उनको एहसास ना होने दिया अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा क्योंकि मैंने पता मैं मोबाइल ही रहता था तो हाथ भी हिल रहा था और उंगली लगाऊँ था टच पे तो वह लगे थी कहीं दिखाई कुछ और दे था लेकिन फिर भी लाइन साफ मिल गई रात में कोई बिजी एंगेज ना आए फोन और वही उन्होंने कॉल सुनते हैं तुरंत में दस मिनट में है एक कमेंट मिनट के वापिस में कम से कम तीन काल आई है डिपार्टमेंट की ओर से उनका शुक्रिया अदा करूँगा स्वास्थ्य भी का और पुलिस भी का जिन्होंने इतनी तत्परता दिखाई उस काम में और ड्राइवर की भी जो जान बच गई तुरंत मैं उसको गरौंडा के सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया तो रात करीबन दो बजे का टाइम था वो। एक बचपन का राइट टाइम है।, है क्योंकि ये तो होश था कहाँ हमारे सांस कितने टाइम तक के हर के होना है और स्पीड भी यूं देख ली थी कहाँ अस्सी है इसी आगे तो भाग नहीं सकती अस्सी व भाग रही है आखिरी तोड़ है होना है जो होना है याद उरी जिंदगी का मज़ा आया नहीं फैसले तीन सेकंड थी तीन सेकंड में तीन फैसले लेने थे या तो खिड़की तक कूद जाऊं या पीछे सी न जा बैठ जाऊं ना तो छाती ठोक अड़ा दूँ भाई होना है जो होना कम से कम मैं एक चला जाऊंगा ड्राइवर जा लिया में, में भी कोई बड़ी बात ना थी है से लेकिन इसके माध्यम से अगर ये जितनी सवारी है ये बच जिया, तो वो उस समय भलाई समझी बिल्कुल नरेंद्र भाई कंडक्टर को भी इस प्रकार का नॉलेज होता है या बताया जाता है हरियाणा रोडवेज की तरफ से कि ऐसे आपातकाल स्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं कल्च ब्रेक रेस जो स्टेरिंग है इसका नॉलेज दिया जाता है नहीं ऐसा इस प्रक्रिया के तहत सरकार आपको के नि... सिर्फ आप हाँ, ही अपना रोल अदा करते थे मैं अपना परिचालक का रोल अदा करता हूँ लेकिन एक तो समझ बुझ वाली बात थी दूसरा मैं 2005 से हैवी लाइसेंस धारक था कभी इमरजेंसी में अपना साधन चलाना होता तो नहीं। नहीं। चला लेता था वो कॉन्फिडेंस यूं था अगर ज्यादा तो हम ड्राइवर तो हूं नहीं लेकिन इमरजेंसी में अपने इतना तो कर सका सूझबूझ से साइड लगा सका थोड़ी बहुत चलानी भी पड़ जाए तो चला सका हाँ वो 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 हौसला और हिम्मत और समझदारी थी मेरे को अच्छा नरेंद्र भाई एक बार आपका पूरा आप दीजिए कौन से गांव से हैं आप और कब आप हरियाणा रोडवेज में सेवा देने लगे थे मैं नरेंद्र कुमार गीजी गांव से बिलोंग करता हूं ये अपना सांपला के में पढ़ता और डिस्ट्रिक्ट रोहतक से हूँ कितने वर्ष आपको हो गया दो हजार से मैं इस भर्ती का तो वीडियो आपकी सोशल मीडिया पर इससे पहले भी काफी वायरल होने लग रही है लोगों की प्रतिक्रिया है कॉमेंट पढ़ी आपने कितना आशीर्वाद देने लग रहे हैं सभी के लिखने लग रहे हैं कि नरेंद्र भाई धन्यवाद थैंक यू आपने ये जो करके दिखा देखो ये हौसला था उस टाइम पर आत्मविश्वास था और एक मौका होता कहते ना कि मौका और मौत लिए एक ही बार आती है वो मौका था आपने मौका अच्छा इससे निभाया उस प्रक्रिया को मौत नहीं आने दी उन सवार की वो मेरे पिताजी का रियाणी लोक साहित्य के रचनाकार हैं हर भजन में हर हर उपदेशक संदेश में यही कया है कि बलाई करनी चाहिए और इतनी उम्र होने के बावजूद भी आज तक सरु से आज तक यही कहते हैं कि नेक काम वो काम सारे कर जाने चाहिए जो जिंदगी में करने के होते हैं और मैंने मेरे से पूछा तीन दिन बाद जब चर्चा हुई है घर में अगर भाई के बाद में बोला ऐसे ऐसे हो गया था बोला फिर तू आज तीन दिन बाद बताओ है भाव आप पचानवे साल के हो रहे हो एक जनवरी से पचानवे में, में, में लग रहे मैं सोचा माँ कि का खा जाएंगे उम्र ज्यादा हो रही है और मां क्यों बताई कोई ना हम स्वस्थ हैं लेकिन उन न कह से नेकर भले काम करे जाना तो मेरी तो उम्र सो तो ऊपर जाओगी लेकिन ऐसा कोई मौका मिलता है ये तो एक तेरे कर्म थे किस्मत थी किसी के हाथ में जस होता है तेरे ये तेरे द्वारा एक माध्यम से ये इतनी जिंदगी बचनी थी बच गई बढ़िया हो गया घर में एक खोटा शक्का है पर के कभी काम दे जाए तो काम आ गया उड़े और मैंने खुशी होगी राम रोआ कोने इसे भले काम में फिर भी अगर भगवान ईसान ना करे इसी कोई दिक्कत आवे तो भाई साहब बे बेटा तू अपने जी लाकर काम करिए हमारी फिक्र चिंता ना, ना करिए भाई बहुत अच्छा लगे भाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और भाई निवेदन है हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों से भी शासन प्रशासन से भी कि भाई नरेंद्र भाई जैसे जो व्यक्ति हैं जो इस प्रकार से सामाजिक तौर पर भी काम करते हैं भाई बहादुरी के तौर पर शासन प्रशासन से निवेदन है कि जो सम्मान जो मिलना चाहिए वो सम्मानित भी करने चाहिए किसी अधिकारी का शासन प्रशासन की तरफ से कोई कॉल आया आपको ये आपकी दुआएं थी आपका प्यार था आपका सम्मान था ये इतने सारे लोग हैं जब हमारे को दुआएं देने लग रहे हैं इससे बड़ा प्यार और सम्मान क्या हो सकता है हमारे लिए और दूसरा ये मानता हूँ ये तो सोचा नहीं था कि हमें सम्मान मिलना चाहिए या हमारे को कोई इनाम मिलना चाहिए मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के Hmm. के कारण hmm. मेरा एक जिम्मेवारी और मेरा फ़र्ज बनता, था, बनता और था और दूसरा यहाँ तो मैं ड्यूटी पे था hmm. अगर एक इंसानियत के नाते भी अगर कोई ऐसी बात होती तो hmm. वो भी एक इंसानियत नाते एक फ़र्ज़ बनता था मैंने अपनी जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दिया है hmm. उस चीज़ के लिए तो ये शायद भगवान ने हमारे को ये मौका दे दिया दोबारा ज़िंदगी मिली इससे बड़ा सम्मान मान और इनाम क्या होगा जो